उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की शब्दावली है जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया, लेकिन आज देश में चारों ओर असंतोष की बारूद फैली हुई है। यह तीसरे और चौथे दर्जे के केंद्रीय कर्मचारी विश्वविद्यालय में भर्ती होने के लिए स्थान पाने वाले और ना पाने वाले विद्यार्थी असंतोष की कोई भी चिंगारी पाकर भड़क सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हड़ताल हमें एक झटके का काम दे। अगर हड़ताल का स्वागत किया जाए इस दृष्टि से कि उसने हमें एक शॉक ट्रीटमेंट दिया है सारे देश को या सरकार को, और अगर हम इससे लाभ उठा सकें और ऐसी नीतियों का निर्धारण कर सकें कि जिनसे देश में महंगाई ना बढ़ने पाए, तो यह सबके लिए अच्छा होगा। अगर सरकार जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर रोक लगाने में सफल नहीं हुई, तो फिर वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग खड़ी होगी और सरकार का कोई कानून उस मांग को नहीं रोक सकता। मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार हड़ताल की धमकी के ऊपर ही क्यों काम करती है। पे कमीशन की रिपोर्ट साल भर अलमारी में बंद पड़ी रही, मगर उसे लागू नहीं किया गया। जब हड़ताल का संकट सिर पर आ गया, तब फिर फरमान जारी किए जाने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में इस बात पर खेद प्रकट किया है कि पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में देर हुई। इस देर के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार जिम्मेदार है, तो सरकार को अपने तौर तरीके बदलने चाहिए। हड़ताल को रोकने के लिए कानून ही बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिन कारणों से हड़ताल होती है, उन कारणों को दूर करने की ज़रूरत है। हड़ताल रोग का कारण नहीं है, हड़ताल तो रोग का प्रकटीकरण है, और अगर कारण दूर किए जाएंगे तो फिर प्रकटीकरण बंद हो सकता है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे, इस प्रकार की मशीनरी बनाए जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अगर मतभेद होते हैं तो मिलकर बैठकर उन पर बातचीत की जाए, उन्हें सुलझा लिया जाए, और अगर मतभेद हो तो उन्हें अनिवार्य पंच फैसले के लिए सौंप दिया जाए, कंपलसरी आर्बिट्रेशन के लिए सौंप दिया जाए। मैं समझता हूँ कि फिर हड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में भी अगर सरकार चाहती तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 10 के अनुसार हड़ताल को बैन कर सकती थी और सारे मामले को पंच फैसले के लिए सौंप सकती थी। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। उपसभा अध्यक्ष जी, आज गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश के अफसरों से कहा गया था कि वे बजट ना छापें, फिर भी उन्होंने बजट छापा। क्यों छापा? केंद्रीय सरकार के निर्देश से लोकसभा में पेश किए जाने के लिए बजट छप सकता है, लेकिन किसी राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वे लोकसभा में पेश किए जाने के लिए बजट छापें। मगर मुझे शक है कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सारे तथ्यों को सदन के सामने आने से रोका जा रहा है।
जो कुछ आज सवेरे कहा गया उसकी सच्चाई की जांच होना आवश्यक है। जो कुछ अधिकारियों का आचरण है उसकी भी परीक्षा होना जरूरी है। मुझे खुशी हुई थी जब गृह मंत्री महोदय ने बड़ी वीरता के साथ, बहादुरी के साथ मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया और उसको स्वीकार करने की बात कही, लेकिन वह बाद में मुकर गए। ऐसा मालूम होता है कि ऊपर की बहादुरी, भीतरी सत्य का सामना करने का साहस नहीं रखती है। श्री प्रभु ने जो कुछ किया वह एक अलग मामला है, उनका जो संशोधन है वह एक अलग बात है। उस संशोधन का श्री रंगा ने विरोध किया, हम में से कोई उस संशोधन से सहमत नहीं है, लेकिन आप किसी सदस्य को संशोधन रखने से रोक नहीं सकते। और क्या किसी सदस्य का संशोधन गृह मंत्री को अपने वचन से मुकरने का अधिकार देता है? नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से यह मामला उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कारणों से मेरे प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। जिस समय गृह मंत्री मेरे प्रस्ताव को मान रहे थे उस समय भी कुछ कांग्रेस के सदस्य उसका विरोध कर रहे थे। आज यह भी साबित हो गया है कि गृह मंत्री के पीछे कांग्रेस दल नहीं है। मैं सदन से फिर कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले में अफसरों का आचरण संदिग्ध है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। नौकरशाही को मंत्रियों पर हावी होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, तथ्यों का पता लगाना जरूरी है। मैंने सवेरे भी कहा था कि हो सकता है कि गृह मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी ना हो, मगर उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को क्या कहा गया इसका भी पता लगाना चाहिए।